पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। एसएससी भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी कोलकाता के सिटी स्टेशन कोर्ट पहुंचे। इसके बाद अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी समेत दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई समाप्त हुई। आदेश को सुरक्षित रखा गया है। राहुल समेत कई कांग्रेसी नेता हिरासत में, बैरिकेड से कूदी प्रियंका गांधी भी पुलिस की हिरासत में। दरअसल महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच AICC मुख्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हो गए। वहीं प्रियंका गांधी के बैरिकेडिंग से कूदने पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। RBI ने लगातार तीसरी बार बढ़ाया रेपो रेट, अब लोन की बढ़ जाएगी EMI। बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाने का फैसला लिया है। RBI के इस फैसले के बाद अब रेपो रेट की दर 4.9% से बढ़कर 5.40% कर दी गई है। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने इस फैसले की जानकारी दी। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन तक महंगा होगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली में पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा जताया है, जिसमें चीनी मांझे पर पहले से प्रतिबंध लगे होने और उल्लंघन के मामलों में बड़ी कार्रवाई जारी होने का भरोसा दिलाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत की दमदार शुरुआत, बजरंग पुनिया और दीपक ने जीता पहला मुकाबला। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आज 8वां दिन है। आज से बॉक्सिंग के मुकाबलों की शुरुआत हुई, जहां भारतीय टीम को काफी मेडल मिलने की उम्मीदें हैं। इनमें दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दिव्या काकरान, अंशु मलिक और मोहित के नाम शामिल हैं। ताइवान से तनाव के बीच चीन को भारत की 2 टूक, लद्दाख बॉर्डर से दूर रहे चीनी फाइटर जेट। भारत ने चीन के साथ सैन्य स्तर की बैठक बुलाई थी। भारत ने पूर्वी लद्दाख में सीमा के पास लड़ाकू विमान उड़ाने को लेकर चीन को सख्त चेतावनी दी है। भारत ने चीन को अपने लड़ाकू विमानों को लद्दाख सीमा से दूर रहने के लिए कहा है।